हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं एके मिश्रा, बहुत स्वागत है सर आपका यहाँ। सर ये आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, 160 उम्मीदवार मैदान में यहाँ पर अभी उतार दिए हैं। हार्दिक पटेल का सर इसमें नाम जो है वो बड़ा देखा जा रहा है, क्योंकि चुनावी साल में इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए और इनको गिफ्ट भी दे दिया गया है, कैसे देखेंगे आप इसे? देखिए, चुनाव जब होते हैं कई तरीके के फंडामेंटल जो है कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। एक तो चुनाव जब होता है, फाइनल स्टेज पे पहुंचता है, तो हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, तो वहां पे उनके बहुत सारे नियम कानून धरे के धरे रह जाते हैं। प्रायोरिटी ये होती है कि जो वोट बैंक डेवलप कर सके, वोट को ट्रांसफॉर्म करवा सके, उसको दिया जाए। नो डाउट हार्दिक पटेल जब बीजेपी के खिलाफ थे तब भी उनका एक बेस था, और यही उनकी खूबी को देख करके हार्दिक पटेल वगैरह को टिकट वगैरह दिया गया है कि ये रियल में ट्रांसफॉर्मेशन यानी वोटों का या क्राउड का ट्रांसफॉर्मेशन ये वोट में करवा पाएंगे। तो बीजेपी स्पेशली, चुनौतियां बीजेपी के सामने भी बहुत हैं जो है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, मोदी का हादसा भी है, तो बहुत फूंक फूंक के एक एक सीट को समझ करके वो चुनाव देगी। कोई ऐसा मोहरा वो वहां पे जो है नहीं रखेगी या उनको टिकट देगी जो जहां पे जरा सा भी डाउट हो कि ये वोट जो है ट्रांसफॉर्म नहीं करवा पाएंगे। जी सर, पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी और पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पार्टी की तरफ से आदेश आया था चुनाव ना लड़ने का, या फिर उन्होंने खुद से ये मन बना लिया, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि अभी बीजेपी जितनी स्ट्रांग है, अब ठीक है ऑफिशियल कोई ऐसा ऑर्डर या आज्ञा पत्र तो बीजेपी हेड ऑफिस से गया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली राजनीति में जो पर्दे पे ऑफिशियली दिखता है उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। कहीं ना कहीं मंथन हुआ होगा और ये बोला गया होगा कि भाई आप लोग अब स्टेट राजनीति से अलग होइए, सेंट्रल में बहुत सारी जगह होती है, पार्टी में इनके पास बहुत सारी जगह होती है जहां उनकी गरिमा को देखते हुए उस हिसाब से उनको सेटल डाउन किया जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली इतना है कि बिना मंथन के ये चीज नहीं हुआ होगा। कोई मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। चुनाव न लड़ने की घोषणा करना चुनाव से या राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा से अलग है, दोनों अलग चीजें हैं। राजनीति में वो सक्रिय रहेंगे, सेंट्रल में रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, कहां रहेंगे, वो डिफरेंट चीज है। सर मोरबी हादसे का भी यहाँ पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मंत्री हैं और मौजूदा विधायक थे ब्रजेश मिर्जा, पार्टी उनसे नाराज थी शायद, तभी उनका टिकट काट दिया गया है, और पूर्व विधायक कांति अमृतिया को यहाँ से टिकट थमा दिया गया है, क्योंकि वो ये भी देखा गया था कि किस तरीके से वो जो मोरबी हादसा हुआ था तब जो लोग थे, पीड़ित लोग थे, उनकी मदद करते हुए देखे गए थे, तो पार्टी ज्यादा ही नाराज यहाँ पर मंत्री ब्रजेश मिर्जा से दिखाई दी। देखिए, डेफिनेटली मोरबी हादसे का एटलीस्ट लोकल तो असर होगा ही, लोकल मतलब कि मोरबी सीट पे और अगल बगल के एक दो सीट, क्योंकि वहां लोग डायरेक्ट इससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इस तरह की घटनाओं से, तो डेफिनेटली वहां पे ये लोग एक्शन लेंगे। वहां के जो तत्कालीन विधायक वगैरह हैं, इससे दो टारगेट जो है कोई भी पार्टी अचीव करती है, एक तो ये कि भाई हमने अपने लेवल पे एक्शन लिया है और हम बिल्कुल भी लापरवाह टाइप के कर्मचारी या नेताओं को बर्दाश्त नहीं करते हैं, इमेज नीट एंड क्लीन जो है वो बनी रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि जो थोड़ा सा विरोध की लहर या भावना उठती है जो है वोटरों के मन में, और विपक्ष उसको बढ़ा चढ़ा करके उसका फायदा लेना चाहती है, उस डैमेज को भी जो है मैनेज इस तरीके से अच्छे तरीके से किया जा सकता है। लेकिन बेहतर ये होता है मोरबी घटना में कि जो कर्मचारी और इंजीनियर इन्वॉल्व थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती, जो कंपनी है उनके ऊपर की जाती, तो मैसेज और भी माइक्रो लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से जाता। यानी कि आप भी देखते हैं कि वहां कुछ ढिलाई बढ़ती गई थी, मतलब इतना बड़ा एक्शन हुआ नहीं जितना उन पर गाज गिरनी चाहिए थी जिम्मेदार अफसरों पर। देखिए, एक पुल है, या तो उसको टोटली ये डिक्लेयर कर दिया जाता कि भाई ये बिल्कुल भी अब चलने लायक नहीं है, इसकी समय सीमा उम्र खत्म हो गई है, और अगर रिपेयर करने के लिए लोगों ने डिसाइड किया, संस्थाओं ने, कंपनी ने, तो इसका मतलब है कि इतनी अकल और समझ उनको भी है, क्योंकि वो यही काम करते हैं, इसी में एक्सपर्टाइज है उनकी। उसके बाद भी अगर ये हादसा हो जाए तो ये मान लिया जाना चाहिए कि उनको इस काम का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया जाए।
जहां पे ह्यूमन लाइफ की, ह्यूमन लाइफ तो वाइल्ड लाइफ के लिए इतने जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि एक भी जानवर, जंगली जानवर की मौत ना हो ना। राजस्थल वगैरह के किसके शिकार के लिए शाहरुख खान वगैरह किनके ऊपर केस चला था, सैफ अली खान के ऊपर अभी भी केस चल रहा है। तो जब उनके लिए हम इतने सजग हैं तो यहाँ पे तो आदमी 120 अपने हिंदुस्तानी भाइयों की जान दी है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आखिरी सवाल सर आपसे लूंगा, आम आदमी पार्टी इस बार बड़े तौर पर जीत का दावा करती नजर आ रही है, अरविंद केजरीवाल लगातार वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अभी भी नजर आ रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी के सामने जो बीजेपी है वो मतलब लगातार वो टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी? नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है वो बहुत गलत है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहले वहां ये बताया कि हम स्कूल कॉलेज ये सब बनवाएंगे दिल्ली मॉडल को, अब वो कुछ दिनों से दिल्ली मॉडल की भी वहां पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, यानी शिफ्ट है, बार बार अपनी आइडियोलॉजी और टारगेट को बदल रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि दिल्ली में जब ये सरकार बनाए थे तब एक लहर थी किसी न किसी रीजन से, गुजरात में ऐसा लहर नहीं है। तो गुजरात में अगर बीजेपी के खिलाफ आपको जीतना है तो एक एक बूथ पे आपको बहुत स्ट्रांग होकर काम करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ऐसे काम कर रहे हैं कि हवाई जहाज से गए, भाषण दिया और वो सोच रहे हैं कि ये लहर में कन्वर्ट हो जाएगी, सारे लोग घूम जाएंगे, ऐसा नहीं है। गुजरात की जो कंडीशन है वहां पे जब तक आप एक ग्रुप पे बहुत ग्राउंडेड होके काम नहीं करेंगे तब तक वहां पे सिचुएशन आपके फेवर में आने वाली नहीं है। इस तरीके की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो अरविंद केजरीवाल ने अपनाई है उससे कुछ सीटों का तो फायदा हो सकता है, कुछ सीट वो जीत जाएंगे लेकिन वाइप आउट नहीं कर पाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।